नमस्कार किसान भाइयों, मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई योजना लेकर आया हूं। चाहे तो इसमें किसान भी आवेदन कर सकते हैं, चाहे अन्य जो किसी भी फील्ड में वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। बात करें सोलर पैनल के बारे में कि इस पर सरकार सब्सिडी दे रही है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ये योजना लागू की गई है। अभी फ़िलहाल मैं आपको इसी के राज्य के बारे में बताऊँगा तो आपको इसमें कितनी सब्सिडी मिलेगी, आपको आवेदन कहाँ करना है, सभी कुछ जानेंगे वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसके तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे किसानों को बिना बिजली के बिल के सिंचाई करने के लिए बिजली उपलब्ध हो रही है। वहीं सरकार चाहती है कि देश में अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का प्रसार हो, ताकि किसानों के साथ साथ आम उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिले। इसके लिए भारत सरकार की ओर से नवीनकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक उपयोग पर बल दे रही है। सरकार का फोकस जो सौर ऊर्जा पर है, इसके लिए घरों के छतों पर लगने वाले सौर पैनल भी सरकार की ओर से सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं, ताकि आम व्यक्ति को भी सौर ऊर्जा का लाभ मिल सके। सौर ऊर्जा का फायदा ये है कि इसमें एक बार बिजली का बिल नहीं आता है, एक बार खर्चा करके सालों साल इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से घरेलू सोलर पैनल पर सब्सिडी प्रदान की जानकारी मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो चलिए पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं वीडियो में। सरकार की ओर से ग्रीन एनर्जी यानी नवीनीकरणीय ऊर्जा के तहत सोलर पैनल के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इसमें सोलर रूफ टॉप योजना के तहत 3 किलोवाट तक 40% सब्सिडी देने का प्रावधान है। इसके साथ ही 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के लिए 20% तक की सब्सिडी दी जा रही है। तो किसान भाई और अन्य लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा सोलर रूफ टॉप योजना की शुरुआत में उपभोक्ता को बिजली बिल से राहत देना मुख्य उद्देश्य है। उपभोक्ता अपने घर पर सोलर बिजली लगवा कर खुद तो घर का रोशन कर ही सकता है, लेकिन साथ साथ वो उस बिजली को बेच भी सकता है और उससे पैसे भी कमा सकते हैं। जी हाँ, सोलर पैनल लगवाने से क्या फ़ायदे होंगे मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक तो इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है और सूर्य से बिजली का उत्पादन होता है, इसलिए ये पूर्व में प्राकृतिक रूप है और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। इसमें एक बार खर्चा लगवाने के बाद आपको भारी भरकम बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। हालांकि इसके बाद एक बार लगवाने में ज़रूर ज़्यादा खर्चा आता है, पर इसके बाद आप कई सालों तक बिजली फ्री में पा सकते हैं। 25 सालों तक ये एक बार लगाने के बाद टिकाऊ हैं, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें खर्चा करके फिर इसकी आप वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। आपके द्वारा सोलर पर लगवाने से जो खर्चा आएगा उसकी पूरी लागत का 5 साल में वसूल कर लेंगे, यानी उसके बाद आप 20 सालों के लिए बिल्कुल फ्री बिजली पाएंगे। बिजली उत्पादन कर बेच भी सकते हैं, आप अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। अगर आप छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, सरकार की ओर से 3 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल पर लगवाने पर 40% की सब्सिडी दी जाती है। अगर आप इंडस्ट्रियल यूज़ के उद्देश्य से सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, तो आप 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवा सकते हैं। इस पर आपको 20% सब्सिडी मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत की। तो 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक 37,000 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से इसको प्राइस है। 3 किलोवाट से ऊपर 100 किलोवाट तक के लिए 39,800 रुपये प्रति किलोवाट इसका प्राइस है, और 100 किलोवाट से लेकर 500 किलोवाट तक का इस पर 34,900 रुपये प्रति किलोवाट है। अगर ध्यान दें तो 3 किलोवाट का सोलर पैनल ले रहे हैं तो आपको 37,000 × 3 = 111,000 रुपये हुए। कुल कीमत पर 40% की सब्सिडी मिलेगी, तो इस प्रकार आपको यह मात्र 66,600 रुपये में मिल जाएगा। तो किसान भाई और जो भी ये लगवाना चाहते हैं, इसके लिए आपको आवेदन करना होगा अपने नज़दीकी बिजली ऑफिस में जाकर। ऑफलाइन आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन का कोई प्रोसेस नहीं है। इसके अलावा आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से भी हेल्पलाइन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश में इच्छुक व्यक्ति कंपनी द्वारा अधिकृत एजेंसी तकनीकी विवरण सब्सिडी एवं भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी हेतु मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय या कंपनी की वेबसाइट जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दी जा रही है, इस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, या टोल फ्री नंबर 1912 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो भाइयों, ये थी एक छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ।
धन्यवाद।